हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बच्चों, जिन बच्चों का 2025 में टारगेट होगा उन बच्चों के लिए वीडियो है। एमएसटी सीईटी में जैसे कि सीओपी विजेट या आईसीटी पीआईसीटी जैसे कॉलेज को हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखिए। हमारे कुछ बच्चे आपको रिजल्ट के एक शॉर्ट में वीडियो जो डाला है जाके देख सकते हैं कि 99 के ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब कम से कम 100 के ऊपर। हम लोगों को कुछ फोटोज़ नहीं मिले तो कम वीडियो डाले, लेकिन हमारे पास अभी भी मार्कशीट है कि 100 के ऊपर 99+ परसेंटाइल है। 98 के ऊपर कम से कम 300 बच्चे, 96 वाले भी कम से कम उसमें 500 बच्चे होंगे। बच्चों, इतना अच्छा रिजल्ट फिजिक्स का इस साल आया है, बहुत खुशी होती है हम लोगों को बोलने के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में कुछ नंबर्स आए थे उसका वीडियो एक नमूना बोल के दिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं इतने बड़ा वीडियो बनाना, क्योंकि शॉर्ट बनाना छोटे ही वीडियो डालना पड़ता है। तो चले एमएसटी सिटी 2025, जो बच्चे रिपीट करना चाहते हैं, कुछ फ्रेशर हो सकते हैं, क्या वो टारगेट बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि क्या सर हम लोगों ने एमएसटी सीईटी रिपीट करना चाहिए, तो इन बच्चों को मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बच्चों, बिल्कुल मत करो, रिपीट मत करो यार, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर मुझे 80 है, 85 है, 90 है, क्यों कर रहे हैं? आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा, मेरा सजेशंस है। लेकिन तो भी कुछ बच्चे बोलते नहीं सर मुझे करना है। जिनको 40-50 के नीचे है उनको लगता है कि यार इनको परसेंटाइल पे मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा। तो हाँ, बात सही है, रिपीट करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए सीओपी विजेटी आईसीटी पीआईसीटी वालचंद कॉलेज के बाग, ये कॉलेज होना चाहिए। तो रिपीट करो, नहीं तो माँ बाप को मत डुबाओ। मेरा ऑनेस्टली सजेशंस है, ये ऑनेस्ट सजेशंस है, आपकी मर्जी आपको क्या करना है। मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं इसलिए मैंने ये वीडियो जानबूझकर बनाया। तो रिपीटर वाले का अगर उनका टारगेट हो कि सर मुझे 90.90% नंबर लेना है तो रिपीट करें, नहीं तो मत करो, बिल्कुल मत करो। बच्चों, मैं आपको ऑनेस्टली सजेशन देना चाहता हूँ, ऑनेस्ट सजेशन से ये, ठीक है। अब कुछ बच्चे फ्रेशर है, उनको डर लगता है कि क्लास 11th जो फ्रेशर है, क्लास 11th बर्बाद हो चुका है। सर अब बोलो आप क्या करें, क्लास 11th बर्बाद हो चुका है, क्या मेरी एमएसटी सीईटी हो सकती है? कुछ बच्चों को डर लगता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्लास 11 के ओनली 8 चैप्टर है बच्चों, और आपके मालूमात के लिए ओनली 10 एमसीक्यूज आते हैं। और ये चैप्टर जो है ना बच्चों, वो चैप्टर ऐसे चैप्टर है जो कि 12th को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्लास 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करेक्ट है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वही चैप्टर क्लास 12th में है, बस इसमें सपोर्ट किया जा रहा है 12th के लिए, ऐसे 11th में कंटेंट है। इसीलिए मैं दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो चैप्टर है 11th का करना ही पड़ेगा। सेमीकंडक्टर, दो कौन सा है बच्चों, सेमीकंडक्टर। अब मुझे बताओ 12th में बस इसी का नाम सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो ये करना ही पड़ेगा, कोई भी हालत में करना पड़ेगा। मोशन इन प्लेन, अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मोशन इन प्लेन। अब यहाँ पे हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में बहुत बड़ी हेल्प होती है, कॉनिकल पेंडुलम क्या है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशंस क्या है, यार ये जो चीज़ें हैं ना ये 12th में पूरे तरीके से सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए ग्रेविटेशन 10th में पढ़ा था, 11th में हम लोग भी करवा के लेंगे, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 11 के पूरे 12th में कहीं ना कहीं काम आएंगे, कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर को सपोर्ट करने वाले हैं। इसीलिए 11th भले ही आपका बर्बाद हुआ होगा, लेकिन हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपका ये सिलेबस बहुत ही डिटेल लेने वाला है, ध्यान रखना। और 12th में तो बहुत ही डिटेल पढ़ाएंगे आपको, जब तक कोई चीज़ दिमाग के अंदर नहीं जाएगी तब तक एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो बच्चों, ये सभी ये जो चीज़ें हैं, हमने एक टॉपर एडवांस बैच जो है, कौन सी टॉपर एडवांस बैच, इस बैच में बच्चों मैं बता दूं, आप लोगों को इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, इतना डिटेल पढ़ाते हैं कि हर बच्चे के जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार आप लोग है ना
क्लास 12 की बुक जो है टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए, 11 के भी 8 चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ने चाहिए। तो कैसे पढ़ना चाहिए, हम लोग हर चीज के ऊपर डिस्कशंस करने वाले हैं ये टॉपर एडवांस बैच में, क्योंकि ये साल भर चलने वाली एमएसटी सीटी की बैच है। बच्चे क्या करते हैं, क्रैश कोर्स में आते हैं, बाद में सर पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, भाई साल भर क्या कर रहा है तू। जो भी बच्चे रिपीटर थे उनको सही से बताओ, कितने बच्चे रिपीटर है इसमें कि हाँ सर मैंने ये गलती की, साल भर पढ़ता, रेगुलरिटी रखता। कुछ बच्चे तो कोर्स लेते हैं रेगुलर पढ़ते नहीं, तो फायदा नहीं है। जिनको कंटिन्यूटी रखना है, जिनको रेगुलर पढ़ाई करनी है, अच्छे है, ऐसे ही बच्चे इस कोर्स में आप लोग आना है और रेगुलरिटी रख के हमारा जो ड्रीम है, माँ बाप का जो सपना है, खुद का जो सपना है, उसको हासिल करना है तो ही इस कोर्स में एनरोल करें बच्चे। नहीं तो क्या फ़ायदा है भाई, माँ बाप को डुबा रहे। हम लोग ज़्यादा प्राइस नहीं रखे, 1799। मुझे बताओ यार, क्या साल भर पढ़ने की 2000 से भी प्राइस कम हो सकती है? इसमें भी हम लोग इतनी सारी फैसिलिटीज, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव DPP है ना, DPP देते हैं रेगुलर, उसका भी सॉल्यूशन देते हैं, कितना सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप सोचोगे। ठीक है, टेस्ट देते हैं, टेस्ट का सॉल्यूशन देते हैं, PY क्विज लेते हैं, क्रैश कोर्स फ्री देते हैं आपके मालूमात के लिए। क्रैश कोर्स हम इस बैच में जो बच्चे आएंगे अभी से उनको 1000 के आसपास वो क्रैश कोर्स जो लोग लेते हैं और एक ही महीना 30-40 दिन पढ़ाते हैं, भाई क्रैश कोर्स फ्री देते हैं हम लोग। तो मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों का ड्रीम है, रिपीटर हो या फ्रेशर हो, जल्दी से आओ, क्योंकि 1 जुलाई से इसका सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, धमाका होने जा रहा है, धमाल मचाने वाले बच्चों। तो देर मत करो, फटाक से इसी डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस कोर्स में एनरोल करना है, है ना। जो बच्चे कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉपर ASC बैच है, ये भी बच्चे इस कोर्स में है, पढ़ना चाहते हैं रिकॉर्डेड ही वीडियो, लास्ट ईयर की वीडियो रहेंगे, लेकिन इसमें 999 प्राइस है। कुछ बच्चे के पास पैसा नहीं है, नहीं सर हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, मैं लास्ट ईयर का ही कोर्स लेना चाहता हूं, तो ले सकते हो। इस बैच में बच्चों, ये जो टॉपर एडवांस बैच है ना, ये 2024 के क्रैश कोर्स में 2024 के भी MCQs पूरे तरीके से लिए जाएंगे और डिटेल में, मतलब मैं बताता हूँ आपको, अगर PYQ जो बच्चा PYQ 2022, 2023 और 2024 के PYQ करेगा, मैं गारंटी के साथ, हमने लास्ट ईयर यही करके दिया, इसीलिए बच्चे के 99+ परसेंटाइल आने का कारण यही है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं, बस कभी वैल्यू चेंज होती है, कभी थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना आप लोग, जो बच्चे PYQ मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चंस 2022-23-24 का जो बच्चा क्वेश्चंस करेगा, मैं गारंटी के साथ, वादे के साथ, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ बच्चों कि यही बच्चा इस बैच में अपना खुद के 4 चांद लगाने वाला है। ओके, तो बिल्कुल बच्चों इसी डिस्क्रिप्शन में जाना है, अभी से पढ़ाई करो, हर दिन इम्पॉर्टेंट है, हर मिनट इम्पॉर्टेंट है, हर सेकंड इम्पॉर्टेंट है, हर, देखो यार, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, रील्स देख रहे बस करते रहते हैं टाइम पास, ऐसा नहीं करना। जिंदगी है, एक बार मिली है, करके दिखाओ। चांस मिल रहा होगा आपके घर वाले रिपीटर करने दे रहे, फ्रेशर वाले भी फ्रेश करने के लिए पैसा दे रहे घर वाले, बस थैंक यू बोलो घर वाले को और काम करो भाई, और आपका जो भी ड्रीम है, जो सपना है, उसको साकार करने के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो मिलते हैं भाई, जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय।